हेलो एवरीवन। सो गाइस, देख लो आज इतना खतरनाक मौसम है और आप देख सकते हैं आज का वेदर कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा है। और गाइस अभी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी रुकी है बारिश। मौसम है और इस खतरनाक मौसम में मैं ऑफिस देखी। कहते हैं अगर जो चीज़ आपका पैशन है वो मतलब आपको मतलब सोने नहीं देता है ना, तो वो क्रिएटिव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आपके माइंड में जो चीज़ आप फ्यूचर के लिए सोचते हैं और वो आपके माइंड में क्लियर है, अभी से आपको वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो एट द एंड वो एक्चुअली में आपके पास होगी भी। पर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बहुत से मेन पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। दूसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा, ऊपर से पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के यूथ में कमी है जिस चीज़ की, वो है पेशेंस। तो पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये बहुत मेन मैं कह सकती हूँ। और दूसरा, कोई भी आप काम करते हैं तो उसको एक फोकस के साथ करें कि नहीं मुझे ये करना है, तो एकदम ऐसे नहीं आधा ध्यान इधर है, माइंड में कुछ और ही चल रहा है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। तीसरा कि हार्डवर्क, हार्डवर्क तो करना है, बट वो कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। कहते हैं जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, पता हार्डवर्क कहाँ से करते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से करते हैं। और जो पुअर फैमिली वाले जो पर्सन होते हैं ना, जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हार्डवर्क करते हैं गर्दन के नीचे वाले हिस्से से, जिस वजह से क्या है वो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। बस इसी डिफरेंस को समझना है और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो ऑल द बेस्ट आपके बहुत बढ़िया फ्यूचर के लिए, बहुत तगड़ा फ्यूचर है। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, कोई बात नहीं है। अभी कभी करके होता है हम थोड़ा सा काम करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो हम गिव अप कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लो कि अगर आप काम कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो कोई उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कहते हैं इस पृथ्वी पर जो भी कोई चीज़ हो रही है ना, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रही है। बस वो ये कि थोड़ा पेशेंस रखो, एट द एंड वो चीज़ पॉजिटिव ही होगी। बोलते कभी भी जो एंडिंग होती है ना किसी भी चीज़ की, वो नेगेटिव चीज़ पर नहीं होती है। तो बस अपनी बातों को यहीं पूर्ण विराम देते हुए मैं आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि टीम डट कर मेहनत करो, सेम फ्यूचर हम सबका है। बस यही है, थोड़ा पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, हार्डवर्क करना है लेकिन यहाँ से करना है। और अपने जो भी आपके सीनियर हैं उनके साथ हर एक चीज़ मतलब शेयर वगैरह करो, क्योंकि देखो अब वो जो पर्सन है हमसे पहले आए हैं यहाँ पर, तो उनको हम ज़्यादा नॉलेज इस बारे में, हमारा भी नया नया एक्सपीरियंस है, हम इतना मतलब मान लो अगर हम उनको पहले से बता देते कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं ये वो, तो क्या पता वो हम वो गलती हम ना करें जो उन्होंने की थी, तो वो टाइम हमारे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है शेयर करने का। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लें, ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना। यहाँ पर आपने वन मैन आर्मी बनना है, बट सपोर्ट लेना भी अच्छी बात है, ठीक है? तो ओके।